सबसे पहले दोस्तों सभी को 26 जनवरी और बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई। और जो आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं, ये कोई विदेश नहीं, अपना प्रयागराज है। और आज है बसंत पंचमी का शाही स्नान, जिसे मैंने कवर किया है आपके लिए। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था संगम नहाएंगे, तो संगम बिल्कुल नाव से चलेंगे। लेकिन उससे पहले ड्रोन शूट आपको दिखा दूं। ये जो छोटे लोग नजर आ रहे हैं, वो लोग है, पब्लिक है। उत्सव देखिए, और अनुमान है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस बसंत पंचमी का शाही स्नान किया। तो बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा रही दोस्तों। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं फुल ब्लॉग और अध्यात्मिक हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, ऋषभ सरप्राइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 26 जनवरी के दिन हम संगम नाव के द्वारा चल के नहाएंगे। तो मैंने नाव बात कर ली है भैया से, और जो नाव का किराया है वो 100 रुपए आती जाती है क्यों भैया? तो भैया 100 रुपए मुझे पता चला था, लेकिन भैया बता रहे 60 रुपए ही है। तो 60 रुपए में भैया से बात हो गई है, ये हमें संगम ले जाएंगे, वहां पे गंगा जमुना सरस्वती का स्नान कराएंगे और वापस अरैल के घाट में छोड़ेंगे, क्योंकि हम इस समय अरैल आ चुके हैं। और यहाँ पे गाड़ी आपकी घाट तक आ जाती है दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आज है बसंत पंचमी का दिन, और 26 जनवरी, पूरे संपूर्ण देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई। तो आइए संगम स्नान करते हैं, माँ गंगा जमुना सरस्वती की गोद में स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद मैं आपको मेला क्षेत्र भी घुमाऊंगा और कैमरा घुमा के मैं दिखा दूं। ये देखिए, नाव के लिए हम आ चुके हैं और आज काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। शाही स्नान इसे कहा जाता है, और महाकुंभ जब आप आएंगे तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और अब हम बोट की तरफ जाएंगे और बोट में बढ़िया बैठेंगे और स्नान करेंगे। भैया पूरा जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है पूरा बताइएगा। बताएंगे, 2 नदी का संगम मिलता है, तीसरे में एक उत्तर रहता है। हाँ चलिए आइए, तो चलते हैं, नाव पे बैठते हैं और फिर नाव में बैठ के आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं संगम के स्नान के लिए। काफी वेट करना पड़ा हमें, क्योंकि इतना क्राउड नहीं था, तो भैया को सवारी ढूंढने में टाइम लगा। और हम अब संगम की तरफ, भैया कितना टाइम लगेगा? आधा एक घंटा। तो आधा एक घंटे का समय लगेगा हमें स्नान करके वापस आने पे। और देखिए बोट हमारी टकरा गई। भैया कितने साल से चला रहे हैं आप बोट? 5 साल। और आप ये नए नए क्या? अभी 7 साल। तो दोनों मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ देखिए कुछ आंटियां हमारे पहले से परिचय मिल चुकी हैं, जो मेरी मम्मी की फ्रेंड है। तो बहुत ही अच्छा सफर होने वाला है दोस्तों। और संगम की वाइब देखिए, ये सरेबियन पक्षी हैं जो ठंडियों के मौसम में हमारे प्रयागराज में आ जाते हैं हर साल। और देखिए बहुत ही मेहनत से भैया चप्पू चला रहे हैं। और कितने लोग बैठ जाते भैया इस नाव में? 12 लोग। और अगर मैं कैमरे को अपने जूम करूं दोस्तों, तो जो उस पार जो दिख रहा है आपको, वो लोग ही लोग हैं। और वो संगम का क्षेत्र जो वो क्षेत्र है जो मकर संक्रांति में हमने कवर किया था। तो मकर संक्रांति में हम नहाए थे संगम, मौनी अमावस्या में हम नहाए थे नैनी झूसी साइड, और आज बसंत पंचमी के दिन हम नहाएंगे जमुना, गंगा जमुना सरस्वती के जहाँ मिलाव होता है संगम के क्षेत्र में। और वहां पे नाव, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वहां पे नाव के माध्यम से ही जा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत गहरा पानी है। अब भैया कितना फीट पानी होगा यहाँ पे? ज्यादा नहीं है, 15 से 20 फीट पानी है। और ये जमुना जी का जल है, और जहाँ जल परिवर्तन होगा वहाँ आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो आज पूरी जानकारी आपको हमारे नाव वाले भैया के माध्यम से मिलेगी। जल एक होके काशी बनारस चला जाता है, यहाँ जमुना जी का नाम यही तक चलता ही रहा है। विजयपुरी गंगा जी, जमुना जी का कलर है का गंगा जी का नाम। तो कहाँ पे बदलेगा भैया ये? 2 मिनट। तो दोस्तों 2 मिनट वेट करिए, भैया का आदेश हो चुका है। और देख रहे हैं ये जो सामने भैया बता रहे थे, जो कई तरह के झंडे हैं और कई तरह की भीड़ है, वहीं पे चलना है हमें, वहीं पे स्नान करना है। और जैसा कि भैया ने बताया, जमुना जी आगरा से होते हुए आती हैं और गंगा जी
हरिद्वार कानपुर से होते हुए। देखिए दोस्तों, ये जमुना जी का जल हरा है और जब हम गंगा जी में प्रवेश करेंगे वहां का जल हल्का पीला है, तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा तुरंत। आप कैमरे में बस देखते रहिए और देखिए, ये हरा है और ये देखिए पानी बदल गया, यहाँ से ये पीला है। मैं इसे रिमाइंड कर देता हूँ, आप दोबारा से देखिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो का यही फायदा है कि कई बार आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। जमुना जी का पानी हरा था और अभी हम गंगा जी में आ चुके हैं, देखिए ये पानी पीला नजर आएगा आपको। ये देखिए, वहां से आए हैं हम और अब फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले आपको मैं दिखा रहा था। और कितनी नाव लगी है, कितने लोग नहा लिए हैं, नहा चुके हैं, नहा रहे हैं और नहाएंगे। और अब हम नहाएंगे दोस्तों। और भैया यही संगम का क्षेत्र है पूरा, ये भैया बता रहे यही संगम का क्षेत्र है। और तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन यहीं पे हो, वहां से लेके इधर तक पूरा घाट बना हुआ है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो लोग पूरा स्नान कर रहे हैं, तो हम स्नान करते हैं, तो चलते हैं गंगा जमुना सरस्वती संगम में स्नान करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, और संगम में स्नान करके आत्मा तृप्त हो गई, आप भी नहा सकते हैं। अभी ये 4 फरवरी तक का ये मेला है, तो जरूर आइएगा, संगम में नहाइएगा। संगम के लिए 2 रास्ते मैं आपको बता दूं, पहला आरायण से आ सकते हैं, दूसरा किले के माध्यम से भी यहाँ पे आ सकते हैं, दोनों तरफ आपको नाव अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए अब कपड़े चेंज कर लें, उसके बाद आपको नाव पे मिलते हैं। तो दोस्तों नाव से नहाने के बाद हम आ चुके हैं अरैल के मेले क्षेत्र में, और मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ। मैं बात करूँ अगर अरैल की, तो यहाँ पे भी जैसे संगम का क्षेत्र है, छोटे बड़े सारे संस्थानों के अपने अपने टेंट बने हुए हैं, स्नान कर रहे हैं लोग, तो उसी तरह की वाइब्स इधर है दोस्तों, और उसी तरह की वाइब्स इधर भी है दोस्तों। और मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ, देखिए भंडारा चल रहा है इधर सामने, और ये है पूरा अरैल का क्षेत्र जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरे में। और देखिए पीछे भी इधर टेंट लगा हुआ है जिधर लोग रुके हुए हैं। और भीड़ की बात करूं तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है अरैल के क्षेत्र में, क्योंकि अरैल में उसी एरिया की भीड़ रहती है जो इधर नैनी से जब आप प्रयागराज आते हैं तो पुलिस वाले इधर ही भेज देते हैं आपको अरैल में। ये मेनली गंगा जी का जल है जिस साइड में खड़ा हूँ, और आज हमने पूरा कवर किया। और ये देखिए भंडारा चल रहा है दोस्तों इधर साइड, और ये स्नान घाट है। तो हम बहुत आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है, तो अभी हम वापस चलेंगे और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। वहां से एक ऊपर का व्यू ले लेता हूँ अरैल का, और आपको कैमरे में दिखाऊंगा अरैल का मेला। और ये थी अरैल के वाइब। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मैं ऊपर खड़ा हूँ और नीचे पूरा देखिए मेला सजा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पूरा अरैल का ये मेला क्षेत्र है जो अभी हम नीचे से दिखा रहे थे, अब मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। तो उसी तरह की वाइब्स है जिस तरह संगम में छोटे मोटे टेंट हर जगह थे, वैसे यहाँ के भी क्षेत्र में था। और आज हमने नाव के द्वारा गंगा जमुना सरस्वती का स्नान किया, और मेरे माध्यम से आपने भी घर बैठे एक अच्छा स्नान किया दोस्तों। आई होप आपको मजा आया होगा। इसी तरह के अमेजिंग ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नई जर्नी में। और मैं आपको एक इन्फो और दे दूं कि हमने 2 दिन रात में जाके नाइट व्यू लिया है, तारों का शहर को कवर किया है, इसी माघ मेले को कवर किया है, तो वो वीडियो इसके बाद आएगी, तो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।